चश्मा लगाओ ना सर। क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, जैसे कि आपने बहुत सारा रील्स वगैरह देखा होगा, काफ़ी जो ट्रेंड चल रहा है ये वाला जो है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना चाहते तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। कर लेने के बाद आपको यहाँ से प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और जहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप अपना जो इमेज यूज़ करना चाहते हो सिंपली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको करना क्या होगा कि आप अपना कोई भी फोटो को ले लेना, सिंपली जो भी फोटो आप यूज़ करना चाहते हो ले लेना। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो जो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका फोटो अच्छे से एडजस्ट नहीं है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना और इसको आप जो है मूव कर सकते हो इस तरह से। और साइड में देख सकते हो वाइट कलर का पूरा लाइन आ चुका है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना और इस तरह से आपको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको एडजस्ट करके आपको क्या करना होगा, सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक इमेज को क्रॉप कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हमारा वन फोटो ही यूज होगा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस इमेज को यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। सेव कर लेना, उसके बाद आपको सिंपली बैक आना है और आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है सेक इफेक्ट और एक है बीटमार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इसलिए डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। इसको आप जैसे ओपन करोगे देख सकते कुछ इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना, आगे देख सकते कुछ इस तरह से लेयर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है, ठीक है। और ये जो आपका लेयर आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो 3.28 सेकंड पे जो आ रहा है, इसके आगे जो ये लेयर है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे, करंट फील पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट करना है और जो इमेज अभी हमने क्रॉप किया था उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको आगे आना है और यहाँ पर ये वाला लेयर मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना, करंट फील पर जाना, टेक्स्ट पर क्लिक करना और क्या करना है, उसी सेम इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो देख सकते कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो गया आपका इमेज, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ से क्या करना होगा, किसी भी लेयर पर लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ से जो है पांच लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी फाइव लेयर कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना, बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना और अब आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग पे आना है, ठीक है। जहाँ से आपका फर्स्ट फोटो आता है, इफेक्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पर आना है और प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट फाइव लेयर कर देना, ठीक है। उसके फोटो में आज काफ़ी अच्छा आपको कलर ग्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ एंड तक ये पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो है आपको यहाँ पर सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना, जो भी क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो सिंपली सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।